हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत ही दुख का बात है, मेरा जो दादाजी है, दादाजी का बहन गुजर गया है आज। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ, मैं और एक भैया जाएंगे यहाँ से। और घर जो यहाँ से जो आपका बोगीबिल है डिब्रूगढ़ का सामने में, तो भैया और मैं जाएंगे अभी बाइक से। तो मैं बाइक लेने जा रहा हूँ भैया का। तो वही सुबह सुबह सुन के बहुत ही बुरा लगा, तो अभी चल के देखते हैं। और मैं इतना वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि सबका अपना अपना सेंटिमेंट होता है, तो उस समय मैं वीडियो बना के किसी का फीलिंग्स हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा मैं। तो अभी चलते हैं, पहले बाइक को लेके आते हैं, फिर यहाँ से मैं जाऊँगा भैया का वहाँ पे, और यो भैया का वहाँ पे। तो अभी मैं भैया का यहाँ पे पहुँच गया हूँ। भैया अभी रेडी हो गया, इधर चश्मा वश्मा लगा के एकदम तैयार हो गए। तो अभी यहाँ से जाएंगे, और पता नहीं ठंडा दिन आने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना गर्म है देखिए। तो सही है, भाभी भी इधर है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अगर बीच में कुछ अच्छा जगह देखने से आप लोग को भी दिखाऊंगा मैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, फ़ोन में कुछ देख रहे हैं और चलते बनेंगे यहाँ से। सीमेंट सबरे पहुँच गया है, यहाँ से फ्यूल लगा रहा है। अभी यहाँ से फिर जाएंगे आगे, कुछ अच्छा लोकेशन नज़ारा वगैरह आने से हम लोग जाएंगे। हम लोग मुख्तियार होके जा रहे हैं, दिमो का अंदर से जाएंगे। मुख्तियार हम लोग का दादाजी का बस्ती है, तो हम लोग वहाँ से होके जाएंगे, मुख्तियार से होके। तो ठीक है, अभी मुख्तियार पे मिलते हैं आप सबको ना। हम लोग दिमो पहुँच गए, दिमो पहुँच के वहाँ से हम लोग को लेफ्ट लेना है। आप लोग को दिखाते रहूँगा मैं। तो दिमो टाउन कुछ ऐसा है देखिए, और मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया, धूप है मुझे। नहीं तो शुरुआत सुबह में बहुत ही धूप था। तो अभी हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से ऐसा कुछ ना है अभी। यहाँ से फिर क्या पान बरी वगैरह मिलेगा, तो फिर हाँ मुख्तियार भी हम लोग का मेन बस्ती जहाँ से हम लोग आया है। हम लोग का तातो लोग बिजनेस करने के लिए तेराम में आ गया था, फिर वहीं पे सेटल हो गया था। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है मुख्तियार में, मैंने पहले कभी नहीं गया है मुख्तियार। तो देखते हैं अभी, आप लोग ऐसे बने रहो, दिखाते रहूँगा आप लोग को। अभी हम लोग यहाँ से तामुल पान ले रहे हैं वहाँ पे ले जाने के लिए। यहाँ पे पान वगैरह है, तामुल वामुल हम लोग लेके जा रहे हैं, और थोड़ा सा चाय चीनी बिस्किट भी लिया है भैया जो। तो अभी ये सब हिसाब किताब कर रहे हैं इधर, ये भैया है। और ये सब करने के बाद हम लोग निकलेंगे मुख्तियार की ओर। आप लोग ऐसे बने रहो आज का वीडियो में। तो ये मेरा लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा ओरिजिन मुख्तियार का है, लेकिन मैं खुद ही नहीं गया हूँ, इतना साल हो गया। तो ये मेरा लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक बार सबको मिलने के लिए। तो चलते अभी यहाँ से। तो अभी गाइस मैं चला रहा हूँ, भैया एकदम रेस्ट करके पूरा हीरो मार के जा रहा है, चश्मा वश्मा लगा के। और रास्ता गाइस देखिए, इतना बढ़िया रास्ता है, एक बार ये व्यू देखिए। मुझे मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि गांव का अंदर भी इतना अच्छा रास्ता होगा। ये तो हम लोग का जो मेन हाईवे है उससे तो 100 गुना अच्छा है ना भैया। और आज ही पता चला, यहाँ से डिब्रूगढ़ भी जा सकते हैं, शॉर्टकट है, यहाँ से 44 किलोमीटर है। तो डिब्रूगढ़ भी बहुत ही सामने है यहाँ से, कभी इन फ्यूचर यहीं से डिब्रूगढ़ जाऊँगा मैं। और ये देखिए कितना बढ़िया रास्ता, आपको कैसा लग रहा है इधर? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। तो सही है गाइस, सीधा हम लोग अभी मुख्तियार पे आप लोग को मिलेंगे। और हम लोग एकदम गाना वाना गा के जा रहा है ये रास्ता का मजा लेके। तो ठीक है अभी चलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग मुख्तियार क्रॉस कर लिया है, मुख्तियार को आप लोग को जाते समय दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे लेट हो रहा है ना। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिब्रूगढ़ यहाँ से 31 किलोमीटर है, और कुलाजान 21 किलोमीटर है यहाँ से। तो हम लोग डिब्रूगढ़ का एकदम लगभग सामने ही पहुंच गया, यहाँ से बहुत सामने है डिब्रूगढ़। अगर हम लोग मेन हाईवे होकर जाने से तो बहुत देर लग जाता है, लेकिन यहाँ से इतना सामने है देखिए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और कुछ बताइए आप? बढ़िया, पुराना बस्ती आए हैं हम लोग तो, अच्छा लगा है। सोचता हूँ कि मेरा हम लोग का पापा लोग यहाँ यही में बड़ा होके तेलम तक गया है। तो वो लोग का ज़माने में ये जगह लोग कैसा था होगा, सोचने से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसे जगह में मेरा पापा लोग पैदा हुआ है, पला भरा है ना। सही है ये तो मच्छी मारे उसमें अभी।
वो सब में भी जाना था लेकिन लेट हो रहा है, वहाँ से जल्दी आके अगर होने से हम लोग ये सबको भी दिखाएंगे, क्योंकि जो काम में आया है पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद फ्री होने के बाद सब कुछ हम लोग आस्ते धीरे से आप लोग को भी दिखाते रहेंगे। वो नीचे मच्छी मार रहे, आप लोग को दिखाई देगा कि नहीं देगा होगा, उधर मच्छी मार रहे। और इतना मच्छी मिलता है ना, क्योंकि ये एरिया एकदम मच्छी का इलाका आप बोल सकते हो, क्योंकि हर जगह में तालाब मिलेगा, नदी मिलेगा, तो मच्छी का तो यहाँ पे कम नहीं है, मच्छी मतलब बहुत है इधर। तो ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे एक दो मिनट थोड़ा रेस्ट करके यहाँ से निकलेंगे। हम लोग पहुँच गए जहाँ पे हम लोग का ये आया हमारा है, तो ऐसा नीचे होके जाना है हम लोग को, तो अभी चलते हैं यायो का घर, वहाँ पे देखता हूँ अगर बनाने के लिए पॉसिबल होने से बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दुख का माहौल होगा, फिर ऐसे वीडियो बना के आदमी ऐसे इरिटेट होगा। तो ये है, अभी चलते हैं अंदर और आप लोग को अंदर ही मिलते हैं ना गाइस। ये है यायो जो गुजर गया है, और इसका नाती बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है, ये देखिए सिल्वर प्ले बटन तक है, ओपाना 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है ये बंदा, जो ये लास्ट टाइम आया था अपना घर पे बैठा भी था। तो ये सारा है, और ये सबको उसका अवार्ड लिया गया है मिशन पोरिंग कमांग का तरफ से, उसका अच्छा काम करने के लिए यूट्यूब में। तो ये सभी है, ये यायो है इधर, प्ले बटन है इधर, बाद में इसको भी मिलाएगा आप लोग को, मिसिंग आओ को, सॉरी नॉट मिसिंग आओ, ओपन आओ को मिलाएगा। हम लोग घूम रहे हैं गांव में, एक रिश्तेदार का घर पे गया था। घोड़ा ये गाड़ी देखिए, घोड़ा गाड़ी बहुत साल के बाद यायो का बच्चे है हम लोग। घोड़ा गाड़ी बहुत साल का बात, अच्छा लग रहा है देख के। तो सही है, अभी फिर जाएंगे यायो का घर पे। यही था हम लोग का पहले का गांव, देखिए। और भैया कुछ बोलना चाहेंगे ये गांव का बारे? मेरा ग्रैंडफादर का एक ही भाई था, वो भी ग्रैंडफादर ही है मेरे लिए। वो यहाँ में, उसको यहाँ में जितना मिट्टी है उसको दे के मेरा ग्रैंडफादर जो तेलम चला गया। अच्छा, तो वो ग्रैंडफादर का एक ही बेटा था, वो भी गुजर गया। अभी मेरा एक भाई है, उस वो जो चांगर है ना, उसमें मेरा भाई वही है, जितना मिट्टी है वो उसका गर्मी है अभी। सब मालिक अभी वो है, मालिक वही है, वो पूरा गुजर गया। मेरा ग्रैंडफादर, छोटा वाला ग्रैंडफादर भी गुजर गया, चाचा भी गुजर गया। अभी उसका चाचा का बेटा, एक सिर्फ सिंगल बेटा है, वो हो गया, वो घर में बैठता है अभी। तो ये खेत सब हम लोग का था पहले, हम लोग का था, अभी भी है। थैंक यू। तो यही कहानी है, अभी नहीं जाएंगे और उधर लेट हो रहा है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद आगे आप लोग को मिलेगा। वहाँ से वापस भी आ गया है, और वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि इतना सारा आदमी था, ऊपर से मैं पहली बार गया है, तो चाचा चाची मामा मामी क्या क्या इतना सारा मिला है ना, उनसे बात करते करते अपना मतलब परिचय देते रहते, इतना समय लगा कि वीडियो ही नहीं बना पाया, और सीधा वहाँ पे खाना खा के हम लोग निकल के आ गया है। अभी हम लोग रास्ता में हैं, बीच में थोड़ा सा इधर मुँह धुला रहा है, और बहुत अंदर में है गाँव का, अंदर बहुत है, 50-60 किलोमीटर अंदर गया है, एकदम धूल धूल हो गया, माथा पे चक्कर आ गया है, तो वही मुँह धुला के यहाँ से हम लोग अभी घर के लिए भी निकलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी ट्रेन आ रहा है, वाओ कहाँ है, आवाज तो आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है। वो देखिए ट्रेन गाइस, एकदम पहाड़ों का बीच से ट्रेन चलता है हम लोग का, यहाँ पे देखिए अंडरग्राउंड से चल रहा है, मजा आया ना हम लोग का तेलम। तो दोस्तों मैं फाइनली घर पहुँच गया, और अभी सीधा नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि ऐसे आदमी मरा वाला में जाके सीधा घर नहीं घुसने वाला। मम्मी तो मम्मी बैंक गया है, मतलब बैंक मतलब एटीएम गया है पैसा निकालने के लिए, और मम्मी बाहर में तौलिया वो सब रख दिया बोला है। तो मम्मी बोला कि घर घुसने से पहले एक बार अच्छे से नहा धो लो, तो वही करेंगे अभी, और आज का वीडियो यही पेन करते हैं। आप लोग को कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय गाइस, गुड नाइट।